वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, टोटल 152 वैकेंसी यहाँ पे। एंड एनी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट सोशल वर्क सोशल साइंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल्स एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए वैकेंसी है। सैलरी भी काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। सैलरी आपका लॉयर्स 35,000 से स्टार्ट करके 2.15 लाख आपका पर मंथ सैलरी रहने वाला है यहाँ पे। अच्छा पोस्ट है यंग प्रोफेशनल्स एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए। ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट है आपका, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं मांग रहा है, तो सभी जगह से सब लोग अप्लाई डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो वैकेंसी है फ्रेशर्स लोग भी डाल सकते हैं, साथ में अगर एक्सपीरियंस हो तो सीनियर लेवल के पोस्ट में भी आप लोग डाल सकते हैं। एंड मैक्सिमम पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड से होने से होगा, ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक फील्ड में चाहिए। तो एनजीओ से लाइक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई भी फील्ड से मांग रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो के लास्ट तक देख लेना, सभी पोस्ट को शॉर्ट में डिस्कस कर लूँगा। अगर आप एलिजिबल हो देन आप अच्छे से वीडियो को अच्छे से पीडीएफ को पढ़ के उसके बाद अप्लाई करो। फर्स्ट आप लोग देख लो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप एलिजिबल हो रहे हो या नहीं। तो एक एक करके सभी पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 152 वैकेंसी है, थोड़ा पीडीएफ लंबा भी है लेकिन शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो वैकेंसी जो रिलीज़ हुआ वो 2023 को मीन्स दिसंबर के 20 तारीख को रिलीज़ किया गया है। एंड ये जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से वैकेंसी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट से वैकेंसी रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री से, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है सीनियर कंसल्टेंट के लिए, 4 वैकेंसी। ये चारों जो वैकेंसी वो नोएडा के लिए है। तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा आपको 1,76,000 से लेके 2,15,000 तक रहेगा। मैक्सिमम जो यार है वो 5 आपका एज लिमिट जो है 65 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का जो एंगेजमेंट रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, लेकिन एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू बी एनुअल रिव्यू, मींस आपका एक्सटेंडेबल है तो आपका जॉब एक्सटेंड हो सकता है या 1 ईयर के लिए फिलहाल है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा आपको देख सकते हो कि मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज MSW MBA इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे कोई भी डाल सकता है। एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मांगा है, 15 ईयर्स एंड अबव। तो कोई अगर सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो अगर इस लेवल का सैलरी को आप विश आपका है इस लेवल का सैलरी के देन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। देन दूसरा जो पोस्ट आ रहा है वो कंसल्टेंट ग्रेड 2 का, यहाँ पे भी 4 वैकेंसी नोएडा के लिए है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक देख लेना। यहाँ पे सैलरी जो मिलेगा आप देख सकते हो 1,21,000 से लेके 1,75,000। यहाँ पे भी आपका एज लिमिट मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स, 1 ईयर आपका जॉब है फिर एक्सटेंड होता रहेगा। क्वालिफिकेशन सेम सोशल साइंस ह्यूमैनिटी MSW MBA इन मैनेजमेंट। देन पोस्ट जो है देख सकते हो कंसल्टेंट ग्रेड 1 के लिए 8 पोस्ट है, यहाँ पे नोएडा के लिए भी है। एंड यहाँ पे जो आपका जॉब का सैलरी होगा 80,000 से 1 लाख। एंड यहाँ पे 45 ईयर्स आपका एज लिमिट है। जॉब पीरियड सेम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सोशल साइंस मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज MSW MBA ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए 16 वैकेंसी है, यंग प्रोफेशनल आप 16 वैकेंसी है। नोएडा झारखंड तेलंगाना राजस्थान उड़ीसा गुजरात केरला गोवा कर्नाटका इन सभी में है। 60,000 आपका सैलरी रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है। देन आपका 1 ईयर फिलहाल जॉब है, बाद ये एक्सटेंड होता रहेगा। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए, सोशल वर्क सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज MBA MSW ये सब। हाँ देन आपका जो वैकेंसी है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए, इसके लिए भी 15 है। सिटी लाइक नोएडा झारखंड तेलंगाना राजस्थान उड़ीसा गुजरात केरला गोवा कर्नाटका ये सभी 35,000 सैलरी रहेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हो, कोई भी ग्रेजुएट डाल सकते हैं या फिर एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए आप कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे फॉर्म डाल सकते। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा कि आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। देन सिस्टम एनालिसिस के लिए भी वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है नोएडा में। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस वाले डाल सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैकेंसी जो है वो सभी BSW लोग MSW लोग डाल सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। यहाँ पे 100 पोस्ट टोटल 100 वैकेंसी है एंड 35,000 सैलरी दिया जाएगा। मैक्सिमम आपका एज 45 ईयर्स के अंदर होना है। एंड यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो आप देख सकते हो, ग्रेजुएट इन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सोशल साइंसेज साइंस कॉमर्स सोशल वर्क, सोशल वर्क वाले भी डाल सकते हैं ना अदर रिलेटेड डिसिप्लिन, तो सभी डाल सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस विच इंक्लूड्स
कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग, टीचिंग एंड मॉनिटरिंग। सो अभी कोई स्कूल टीचर भी है प्राइवेट स्कूल का, वो भी डाल सकते हैं, एनजीओ वाले भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, एटलीस्ट वन ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। सो इस पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए लगभग सभी एलिजिबल हो जाएंगे एंड सभी सिटी में है, इसका जो जॉब लोकेशन है सभी सिटी में है, ऑल इन ऑल ओवर इंडिया में है। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको फिलअप करके कैसे अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप ये फॉर्म फिलअप करके अच्छे से आप लोग फिलअप करना है, फिलअप करके आपको पोस्ट कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी स्टेट में जो है, आंध्र प्रदेश, बिहार, सभी स्टेट में, आप सभी स्टेट में, ऑलमोस्ट सभी ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे जॉब लोकेशन है। आप लोग देख लेना कौन सा सिटीज़ में आपको प्रेफरेंस मीन्स जब जॉब मिलेगा तब आप प्रेफर कर सकते हो कौन सा सिटी या कौन सा स्टेट में आपको चाहिए। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपको, हाँ, एप्लीकेशन गाइडलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए भी, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेन इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है अच्छे से। ऑफलाइन अप्लाई मोड है तो ऑनलाइन नहीं है, तो आपको एड्रेस करना है इसी एड्रेस को, द डायरेक्टर, ये सब आप एड्रेस देख लो। हाँ, यहाँ पे आपको क्लियरली ये सब एड्रेस करना है एप्लीकेशन के ऊपर, मीन्स टू जहाँ पे अप्लाई मीन्स आपको सेंड करना है अप्लाई एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है सभी डॉक्यूमेंट को, एंड देन आपको लास्ट डेट जो है 9 जनवरी के पहले आपको पोस्ट कर देना है। दैट मीन्स पोस्टल और कुरियर सर्विस यहाँ पे है। सो आप कुरियर भी कर सकते हो या पोस्टल भी कर सकते हो, लाइक स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट कर सकते हो, लेकिन ये सब आपका यहाँ पे जाके इस एड्रेस पे जाके पहुँच जाना चाहिए 9 जनवरी के पहले, तो आपको पहले अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूँ, मीन्स लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिटेल्स में जाके वेबसाइट में देख लो। यहाँ पे कुछ इंटरव्यू या रिटर्न प्रोसेस के बारे में नहीं बोला, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा वेबसाइट में, तो आप लोग टच में रहना अगर अप्लाई करते हो वेबसाइट में, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं भी अगर निकलता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में या फिर डाल दूंगा लिंक एंड एडमिट कार्ड या कोई भी नोटिफिकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा कर रखो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं सभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो कभी कभी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखे हो तो मिल जाएगा। आज भी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से निकला है, जम्मू एंड कश्मीर से, उसका भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया। वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है सभी सब पोस्ट के लिए, तो छोटा एक दो वैकेंसी होने से मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, आप लोग जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। थैंक यू, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना, ठीक।